हेलो जी। हेलो हेलो या आपका गुड नेम? मेरा नाम शरत है। शरत है, ओके। आप कौन से कंपनी के लिए डील कर रहे हैं? हम लोग ये 021 कंपनी में से है। मैं मतलब यहाँ का प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। ओके। हम लोग दो वेरिएंट्स बना रहे हैं अभी, एक हो गया आपका लोडर का और दूसरा है पैसेंजर सेगमेंट। ओके। एंड ये कंपनी कहाँ लोकेटेड है इनफैक्ट हैदराबाद में? ये है अपना दंडू मलकापुर विलेज, चौटुपल के पास में है। जैसे कि विजयवाड़ा हाईवे एग्जैक्टली वहाँ पे तेलंगाना इंडस्ट्रियल फेडरेशन है, ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क, उसमें लोकेटेड है। ओके। एंड ये कब से कंपनी इनफैक्ट यहाँ पे? एक्चुअली रजिस्टर्ड 2017 से है, 1 ईयर से हम लोग प्रोडक्शन चालू है वहाँ पे फैक्ट्री में। ओके जी। दोस्तों ये कंपनी का गूगल लोकेशन एंड एज वेल एज शरद जी का कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार वहाँ पे विजिट करिए और देखिए कौन से व्हीकल्स इनके पास में अवेलेबल है। एंड शरद जी, कमिंग ओवर टू द सब्सक्राइबर्स, थोड़ा डिटेल में बताएंगे लाइक दो वेरिएंट्स के बारे में, थोड़े व्हीकल्स के बारे में प्लीज? जी जरूर। ये है हमारा पैसेंजर व्हीकल, इसको हम लोग रेट्रोफिट बोल रहे हैं, मतलब कन्वर्शन किट। ये क्या है, एग्जिस्टिंग व्हीकल जो मतलब बजाज हो गया, टीवीएस हो गया, जो भी है एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, उसको हम लेके डीजल इंजन पेट्रोल इंजन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि उनके पास का गाड़ी लेके आएंगे हमारे पास और उसमें से इंजन हटा के हम मोटर फिट करके उनको दे देंगे। Okay. इसका चार्ज रहेगा 75,000 प्लस बैटरी चार्ज। अच्छा। क्योंकि वो बैटरी का रहेगा, हर किसी का मतलब वो रिक्वायरमेंट के ऊपर आधार है, किसी को 100 किलोमीटर का रेंज चाहिए, किसी को 150 चाहिए। Okay. उसके अनुसार वो रेट बढ़ेगा घटेगा। Okay. तो ये रेट्रोफिट के बारे में ये है। Okay. और ये है हमारा लोडर, ये है इसमें मतलब 350 kg से 400 kg तक ये वजन ले सकता है। और इसमें क्या है, आपको 100 Ah का बैटरी आएगा। इसका कॉस्ट है 1 lakh विदाउट दैट कार्गो बॉक्स एंड बैटरी। यहाँ पे भी एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम कार्गो बॉक्स दे रहे हैं और फ्लैट बेड दे रहे हैं, नॉर्मल लोडर दे रहे हैं, और उसके अलावा बैटरी का भी सेम उसमें जैसा जितना मतलब उनका रेंज है, मान के चलिए 80 किलोमीटर चाहिए, 100 किलोमीटर चाहिए, 150 चाहिए, उसके आधार पर वो बैटरी कॉस्ट रहेगा। बाकी का तो प्योरली इलेक्ट्रिक है। ये हमारे पास मतलब फर्स्ट व्हीकल इन द इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारा खुद का बना हुआ। ये तो रेट्रोफिट है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्हीकल को हमने कन्वर्ट किया है। तो स्पेसिफाइड थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलेंगे लाइक इंटीरियर में एंड एवरीथिंग। या इसमें क्या है, आपको इंटीरियर मोस्टली क्या है, जो गाड़ी के साथ आया उसको यूज़ करने के लिए हम मैक्सिमम कोशिश किया है। इसमें क्या है, हम लोग इसको कस्टमाइज करके हमारे डिज़ाइन के अनुसार ये बनाया है। Okay. और यहाँ पे आपको स्कोप ये है कि वो कस्टमर के लिए कौन सा कलर चाहिए या जो भी है उनका रिक्वायरमेंट, जैसा उनका बिजनेस है, मतलब स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, कौन सा वो कैरी करेंगे, उसके आधारित हम लोग इसको बना के देने के लिए हम तैयार हैं। ओके। प्योरली ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट। ओके। अच्छा शरद जी, इसको फुल चार्ज करने में कितना टाइम लगता है इनफैक्ट? मतलब आपके लिए ये दोनों भी गाड़ी आपका डोमेस्टिक जो है मतलब सिंगल फेज सप्लाई पे चार्ज होंगे एसी चार्जर के साथ, 3.5 घंटा इसका फुल टाइम चार्ज के लिए लगेगा। ओके। एंड रेंज कितना रहेगा एक बार फुल चार्ज होने के बाद? वो रहेगा 100 Ah बैटरी जो हम मिनिमम वो सप्लाई दे रहे हैं कस्टमर के लिए, 100 to 200 Ah तक हम दे रहे हैं। वो 100 Ah के लिए तो आपका 80 किलोमीटर रहेगा सिंगल चार्ज के। सिंगल चार्ज के जी। ओके। तो एक ही बैटरी है इसमें या डबल कैसे? नहीं नहीं, इसमें तो फिक्स्ड एक ही बैटरी रहेगा। ओके। दोनों में ऐसा ही है, स्वैपेबल नहीं है ये। Okay. फिक्स्ड बैटरी है। एंड इसका जो चार्जिंग प्लग पॉइंट होगा लाइक वो घर में भी किया जा सकता है? जी जी, डोमेस्टिक मतलब सिंगल फेज के लिए जो आपका गीजर का हो गया या आपका एसी का हो गया 16 Ah, वही रहेगा इसके लिए। ओके। एंड इसके सब्सिडीज भी होंगे ना कुछ लाइक चार्जिंग प्लग पॉइंट्स होंगे कहीं ना कहीं, तो वो लोकेशन अभी अभी के लिए वो ऐसा नहीं है। इसके लिए हम लोग ऑनबोर्ड चार्जर करके गाड़ी के साथ ही चार्जर मिलेगा इसका। Okay. अच्छा शरद जी, थोड़ा सा पीछे में बताएंगे लाइक इसका लोड कितना ले सकते हैं, लाइक इनफैक्ट कितना तक कैपेसिटी रहेगा? जी जरूर, डिटेल में जरूर जरूर। ये है आपका कार्गो बॉक्स। Okay. जैसे कि इसमें पूरा सामान आप ले सकते हैं, 350 kg से 400 kg तक ये वजन ले सकता है। Uh-huh. ये कार्गो बॉक्स स्पेशली कस्टमर रिक्वायरमेंट पे हमने डिजाइन किया है। Uh-huh. ऐसे ही हम लोग फ्लैट बेड भी देंगे, बाकी का वेरिएंट्स भी देंगे इसमें। Okay. वो प्योरली डिपेंडेंट ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट है। Okay. तो फिलहाल ये है, ये FRP बॉक्स हमने बनाया, इसको इसीलिए बनाया क्योंकि ये लाइट वेट है इसका मटेरियल जो है। Okay. मगर लोड भी ले सकता है, उतना वजन भी ये संभाल सकता है। ओके। तो उसके अनुसार हम लोग कस्टमर के जो भी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है हम हर एक को मतलब उसके अनुसार ही गाड़ी एक एक में एक एक चेंजेस के साथ दे रहे हैं। ओके। तो ये है आपका मतलब फिक्स्ड बॉक्स है, इसमें आपको एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट इधर भी एक डोर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे भी दिया गया है? जी हाँ। Okay. क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हम इसलिए प्रेफर किया क्योंकि ऑपरेटिंग के लिए जैसे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड प्रेफरेबल है। ओके। साइड से भी होगा तो जनरली क्या है आपका लॉजिस्टिक्स वाले के लिए पूरा अगर कुछ सामान लेना है तो ये पूरा दरवाजा खोलने के अलावा यहाँ से लेने के उसके आसान रहेगा करके हम लोग ये मेनली प्रेफर किए हैं। गुड 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 गुड।
एंड इसके जो टायर्स हैं इनफैक्ट एक्चुअली लाइक हाउ इट विल बी लाइक ट्यूबलेस ट्यूब, ये सारे ट्यूब टायर्स हैं, ये सब जो भी रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट जैसे कि बजाज हो गया, पियाजो हो गया, वही कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं टेल लैंप्स हेड लैंप्स से लेकर, क्योंकि कल के दिन ऐसा ना हो कि हमारा कंपोनेंट एक चेंज करने में उसको इतना दिक्कत नहीं होना है, कस्टमर को रेडीली अवेलेबल है सारी चीज़ तो उसके लिए हम प्रेफर कर रहे हैं जो भी है जो मार्केट में अवेलेबल है वही चीज हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें। ओके ओके, दिस विल बी द लोडर व्हीकल। यस। एंड ये जो लाइक इसका है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे लाइक ये जो है पैसेंजर गाड़ी है जो रेट्रोफिटमेंट मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। okay. इसमें क्या है हम लोग सिर्फ जो एग्जिस्टिंग इंजन है अच्छा। वो इंजन और गियर बॉक्स हटा के हमारा मोटर और गियर बॉक्स इसमें माउंट करे अलॉन्ग विद बैटरी। ओके। तो उसके अलावा ज्यादा चेंजेस हम नहीं करना चाह रहे क्योंकि ये जो भी है कस्टमर उनके लिए बर्डन नहीं होना चाहिए फाइनेंशियली, जो उनके गाड़ी है उनको कॉस्ट कटिंग करके मतलब जो रनिंग कॉस्ट है उसको कम करके हम अच्छा साधन देने के लिए कोशिश में ये एक पार्ट है एक्चुअली। पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा क्या शरद जी इसका कैसा रहेगा इनफैक्ट? नहीं नहीं पावर कंजम्पशन तो आपका रहेगा मतलब एक बार फुल चार्ज करने के लिए आपका लगभग 6-8 यूनिट का कंजम्पशन ही होगा। okay. ज्यादातर वही है क्योंकि okay. हम लोग एसी चार्जर से जा रहे हैं तो इसमें ज्यादा मतलब हम लोग यहाँ जैसे लिखा है 100% इलेक्ट्रिक ज्यादा इसमें मतलब आपको जो भी है डोमेस्टिक अप्लायंस से ही आप चार्ज कर सकते हैं, डोमेस्टिक सप्लाई सिंगल फेज से ही आप चार्ज कर सकते हैं इसमें। थोड़ा इंटीरियर के बारे में थोड़ा सा। जी जरूर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गाड़ी के साथ आया हुआ है वही सीट और पूरा वही है, उसके अलावा हमने ये गियर का सिस्टम हटा दिया क्योंकि ये इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल है तो ये सिर्फ गियर के बिना चलेगा, ये है 1-2-3 मतलब हाई लो मीडियम का मोड्स है, उसके अलावा यहाँ पे आपको न्यूट्रल ड्राइव और रिवर्स 3 मोड्स रहेंगे, न्यूट्रल में रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगा, ड्राइव मोड में फॉरवर्ड और रिवर्स करने से रिवर्स आएगा ये गाड़ी, बाकी का पूरा फंक्शन सेम है, एग्जिस्टिंग स्पीडोमीटर एग्जिस्टिंग पूरा जो भी सेटअप है डैशबोर्ड वगैरह वही इस्तेमाल किया हमने। अच्छा शरद जी और एक चीज मैं जानना चाहूंगा हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए लेकिन इसका आरटी अप्रूवल है या फिर कुछ ऑन रोड पे कभी कुछ प्रॉब्लम आएगा कुछ? ये सारे चीज जो भी है आईकट अप्रूव्ड है, सीधा आपको जाना है एग्जिस्टिंग व्हीकल, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो इसका येलो नंबर प्लेट जो है वो रिप्लेस होगा ग्रीन के साथ और अपने आरसी में क्या है मोटर और कंट्रोलर डिटेल्स ऐड करके आपको देंगे, उसको भी सेम है आईकट अप्रूव्ड है, वो सीधा नया रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा क्योंकि वो नया गाड़ी है। और रोड साइड असिस्टेंस जो भी है मतलब इन केस ऑफ कुछ ब्रेकडाउन है तो हम लोग एक नया मतलब एक स्कीम जैसा प्लान किया है जैसे कि डायरेक्ट हम कस्टमर जहाँ पे भी है उनको वहाँ उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके हम सर्विस देने के लिए हम तैयार है। अच्छा एक्चुअली वो बाकी जैसे कि वो गाड़ी हमारे पास लेके आने में उनको दिक्कत ना हो ऐसा हमारा नेटवर्क बना हुआ है, हम उसके अनुसार अभी फॉलो अप कर रहे हैं। सो दिस विल बी लाइक पैन इंडिया कुछ काइंड में है? यस डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके तो लाइक कहीं से भी कोई से भी लोकेशन से इसके लिए हम या इसके लिए हम लोग लाइक डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर का बड़ा नेटवर्क बनाने में हमारी टीम जारी है, अभी वो कोशिश जारी है, वो अंडर प्रोसेस है एक्चुअली। और एट द सेम टाइम सर्विस का मैंने जैसे बोला डोर स्टेप सर्विस भी हमारा प्लान है क्योंकि ये जो है मतलब गाड़ी एक बार कस्टमर को देने के बाद हमको कंप्लेंट्स रिड्यूस करना है सर्विस कम करना है वो मेन मकसद है हमारा। जी सो दिस विल बी लाइक टोटली मतलब लाइक डायरेक्टली पेमेंट करना पड़ेगा या कुछ ईएमआई ऑप्शन भी है इसके लिए, फाइनेंस भी है, इंश्योर्ड व्हीकल है, आपको इसमें कुछ खराब होने का चीज भी नहीं है हम। और एक बहुत बड़ा चीज ये है कि हर एक चीज मेड इन इंडिया ही ले रहे हैं इसमें पर्टिकुलरली। सबसे बड़ी बात और हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए शरद जी एक चीज जानना चाहूंगा ये ऑन रोड ये वाला पैसेंजर व्हीकल एज वेल एज लोडर व्हीकल दोनों ऑन रोड कितने पे आएगा थोड़ा बताएंगे? जैसे कि मैंने बताया हम लोगों का ये गाड़ी का मतलब ऑन रोड विद 100 AH बैटरी दैट इज अराउंड 80-90 किलोमीटर रेंज के लिए अगर मान के चलते हैं तो ये 2 लाख के अंदर आ रहा है आपके पास। और ये गाड़ी रेट्रोफिटमेंट 75,000 फॉर कन्वर्शन और उसके बाद बैटरी सेम 100 AH अगर मैं देता हूँ तो ये भी मतलब वही रेंज में मतलब 1,80,000 तक ये ऑन रोड आ जाएगा। ऑन रोड में आ जी
सो वेरी मच शरद जी, आपने जो है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए इन डिटेल में 021 का दिस लोडर व्हीकल एज वेल एज पैसेंजर व्हीकल के बारे में इन डिटेल में बताया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो 021 का, मैं इसका गूगल लोकेशन एज वेल एज शरद जी का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार वहाँ पे विजिट करिए और जानिए कौन से व्हीकल कौन से प्रोडक्ट पर अवेलेबिलिटी में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, AB4U को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन मत भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच किरण जी, धन्यवाद, थैंक यू।